अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने स्पीकर की बनाई गई तहकीकाती कमेटी को मुस्तरद कर दिया। बोले, नून लीग का कोई रुकन जाली कमेटी में नहीं जाएगा। परवेज इलाही असेंबली में बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हैं, जाली स्पीकर का डट कर मुकाबला करेंगे। हमें अदम एतमाद की कोई जल्दी नहीं, चाहते हैं लोग तब्दीली वालों का असली चेहरा देख लें। सऊदी अरब में इमरान खान ने अपने दुखड़े सुनाए। पंजाब असेंबली का बजट इजलास कल तक मुलतवी, ऑपोजिशन का चौथे रोज भी बॉयकॉट। ऐवान के अंदर हुकूमती इजलास, बाहर ऑपोजिशन की असेंबली। लीगी अरकान का असेंबली की सीढ़ियों पर दरियां बिछाकर एहतजाज, नारेबाजी। जिमनी इलेक्शन जीतने वाले 6 अरकान असेंबली ने हल्फ उठा लिया। पंजाब असेंबली में हंगामा राई के लिए 12 रुकनी तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी में 10 हुकूमती अरकान और 2 नून लीग के अरकान असेंबली शामिल। पंजाब असेंबली के मुअत्तल अरकान का असेंबली के बाहर फुटपाथ पर एहतजाज, अरकान ने फुटपाथ पर दरियां बिछाकर दोपहर का खाना खाया। सूबाई वजीर इत्तलात की हमजा शहबाज को कमेटी में आने की दावत। बोले, नून लीग पार्टी नहीं, बाप बेटे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एक तरफ एहतजाज, दूसरी तरफ 2500 रुपए के लिए हाजिरियां लगाना कहां की अखलाकियात है। सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन का कहना है, लीगी अरकान के लिए असेंबली के दरवाजे खुले हैं और बाहें भी, अपोजिशन के पास कुछ नहीं, ये सिर्फ नवाज ग्रुप का बॉयकॉट है। नून लीग बजट पर बहस की तैयारी ही नहीं की। पैरागोन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा बरादरान की हिफाजती जमानत में 14 नवंबर तक तौसी। हाई कोर्ट का नैब को ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। मेरा जमीर मुतमईन और हाथ साफ है, जब भी हुकूमत बदलती है तो मुझे जेल यात्रा करना पड़ती है। ख्वाजा साद रफी की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले, आशियाना हाउसिंग स्कीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, एहतसाब के नाम पर सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ नुकसानदेह होंगी। बल्दियाती नुमाइंदों की तरक्याती स्कीमें सियासत की नजर हो गईं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 274 यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती काम बंद, तरक्याती कामों की लागत 1 अरब रुपए से ज्यादा है। कानून का मजाक, पुलिस को खुला चैलेंज। केनाल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की सरेआम हवाई फायरिंग, इलाके में खौफो हिरास, फायरिंग की वीडियो लाहौर न्यूज को मौसूल। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद अकबर ने वाकई का नोटिस ले लिया, एसपी सदर से रिपोर्ट तलब। तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन एसएचओ की जान ले गया। कब्जा माफिया की हाथापाई से जां बहक एसएचओ वारिस अली की लाश का पोस्टमार्टम। कब्जा ग्रुप के खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज, मुलजिम ताहाल मफरूर। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का 22वां रोज, पाइन एवेन्यू में एलडीए का एक्शन, गैर कानूनी 6 इमारतें जुजवी तौर पर मिसमार। शाला मार्केट में भी कार्रवाई, भारी मशीनरी से पक्के थड़े और शेड्स मिसमार। दौराने ऑपरेशन कब्जा माफिया की जानिब से मजाहमत का सामना, ताजरों का इंतजामिया पर बड़े प्लाजों पर हाथ न डालने का इल्जाम। पंजाब हुकूमत का हॉर्स एंड कैटल शो दोबारा शुरू करने का ऐलान। सूबे में फनून लतीफा और सकाफती सरगर्मियों को फरोग देने का फैसला। यूसुफ सलाहुद्दीन की सरबराही में कल्चरल कमेटी के अराकीन की वजीर आला से मुलाकात। निकलसन रोड को नवाबजादा नसरुल्ला खान के नाम से मंसूब करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत डेरा गाजी खान की अराकीन असम्बली का अजलास। वजीर आला का कहना है कि महकमों को कारकर्दगी दिखाना होगी, हाथ पर हाथ रखने से काम नहीं चलेगा, कब्जा माफिया और तजावुजात को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फैज गंज अंडरपास से 3 गाड़ियां पकड़ी गईं। 10,200 लीटर मुजरे सेहत दूध तलब, मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। हसनैन उमर आइस फैक्ट्री पर भी छापा, मुजरे सेहत दूध बरामद किया गया।
रिक्शा ड्राइवर्स को जानवरों से तशबीह क्यों दी, सीटीओ मुआफी मांगे। अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर आ गई। कलमा चौक में एहतजाजी मुजाहरा, धरना। रिक्शा ड्राइवर्स की 24 घंटे में मुतालबा तस्लीम न होने पर सिटी ऑफिस बंद करने की धमकी। सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श के उर्स मुबारक का 28 अक्टूबर से आगाज। वजीर आला पंजाब रस्म में चादर पोशी से उर्स का इफ्तिताह करेंगे। दूध की सबील और लंगर का इंतजाम होगा। उर्स इंतजाम के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड जारी। सूबाई वजीर बराए औकाफ सैयदुल हसन शाह की उर्स इंतजाम से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक का हाई कोर्ट बार का दौरा। हाई कोर्ट बार की कयादत ने चीफ जस्टिस और दीगर जजेस का इस्तकबाल किया। बार की जानिब से जजेस के एजाज में चाय का एहतमाम। सऊदी अरब से डॉलर आने की खबरें। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1.50 रुपए सस्ता, कीमत 131.50 रुपए हो गई। सूबाई वजीर सनत तजारत मियां असलम इकबाल की जेर सदारत पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड का इजलास। फातमा ग्रुप का सीमेंट, एनर्जी प्लांट और दीगर शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। यूक्रेन के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर शेख की लाहौर जा बरामद। कायम मुकाम सदर ख्वाजा शहजाद नासिर और नायब सदर फहीम रहमान सहगल से मुलाकात की। गैर मुल्की मॉडल ट्वीसा मनशियात केस में सेशन कोर्ट में पेश। सरकारी वकील की रुख्सत पर होने के बायस केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। एक्सपो सेंटर में तीसरी पाक वाटर एंड एनर्जी नुमाइश का इनेकार। नुमाइश में 50 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने अपने स्टॉल्स लगाए। और फाउंटेन हाउस में सालाना कैलीग्राफी मुकाबला। तलबा ने तख्लीकी सलाहियतों के खूब जोहर दिखाए। फाउंटेन हाउस के मकीन भी खुशी से निहाल।